न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। दबंग के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला गदगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुदामापुर गाँव का है। बेटे के चाह में पत्नी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करने के एक अत्यंत विभस्त मामले में बदायूं की एक अदालत ने गर्भवती पत्नी का पेट हंसी से चीरने के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। पति की जानलेवा वारदात से महिला की जान पर आफत आ गई। पेट ऐसा काटा गया कि महिला की आंतें भी बाहर आ गई थी, गर्भपात भी हो गया था। विशेष लोक अभियोजक एडी जीसी मुनिंद्र पाल सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय सौरभ सक्सेना ने गुरुवार देर शाम पन्नालाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में भीषण आग लग गई। चार्जिंग के समय स्कूटी में धमाके के साथ आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में आग लगने से घर का सारा सामान भी जल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आगरा थाना शागन क्षेत्र के अर्जुन नगर क्षेत्र की पूरी घटना। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के महज कुछ ही दूरी पर युवा नाबालिग बच्चे गंगनहर में मौत की छलांग लगा रहे हैं और ये सब दिन दहाड़े देखने को मिल रहा है। वहीं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला युवक का गंगनहर में स्टंट सोशल मीडिया पर बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है और मौके पर मौजूद राहगीर भी ये सब तमाशा समझकर उस करतब को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अब स्थानीय पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर रुड़की कोतवाली महज कुछ ही दूरी पर मौजूद है और वहीं पुल के सामने नगर निगम भवन भी है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, पर बावजूद इसके क्या इन स्टंट बाजों पर उनकी नजर नहीं पड़ती। हरिद्वार में रहने वाले देशभर के श्रमिकों के राशन कार्ड बनेंगे, लेकिन श्रम विभाग के दिए गए करीब 80,000 श्रमिकों में से बिना राशन कार्ड वाले परिवार को ढूंढा टेढ़ी खीर बन रहा है, क्योंकि श्रमिक पोर्टल पर दर्ज प्रवासी विभाग को ढूंढने में हो रही परेशानी। स्थानीय श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के आदेश दिए गए। हरिद्वार जिले की भी 80,000 से ज्यादा श्रमिकों की सूची श्रम विभाग ने जारी की है। सूची में खाद्य आपूर्ति आयुक्त के माध्यम से जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय को श्रम विभाग के एक्सक्लूसिव भेजा गया है। वहीं श्रमिकों के नाम पता फोन नंबर दिए गए हैं, जिनमें से बिना राशन कार्ड वालों को छांटना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में जारी हुए उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के परिसर में हरिद्वार ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर ने मेधावी छात्रों की माताओं को प्रोत्साहित राशि देकर सम्मानित किया। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में पहुंचे एसपी देहात स्वप्न किशोर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एसपी देहात स्वप्न किशोर ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य है, जिस ओर निखरने की आवश्यकता है। पाठशाला इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर जी, प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंद और जो भी हमारी छात्राएं हैं उन सबको आज के इस खूबसूरत आयोजन के लिए और प्रस्तुति के लिए कोटि कोटि साधुवाद। प्रबंधक महोदय के द्वारा 59 छात्राओं को की माताओं को 1,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए हैं। उत्तराखंड कांटी दल के प्रत्याशी अशोक नेगी ने उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना गैरसैंण में करने की मांग की है। गैरसैंण में जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में उच्च न्यायालय की स्थापना पौड़ी के नजदीक किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन उन्होंने जिलाधिकारी गढ़वाल के माध्यम से शासन को प्रेषित किया। उत्तराखंड कांटी दल के लोकसभा प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने शहर के कुछ लोगों के साथ ही शासक का एक ज्ञापन तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपा। मांग की कि राज्य गठन के बाद से ही पौड़ी मुख्यालय की घोर अपेक्षा हो रही है। तमाम कार्यों का कामकाज भी देहरादून में हो रहा है। पौड़ी की चौतरफा घोर अपेक्षा हो रही है, इसलिए पौड़ी को पुनर्जीवित करने के लिए उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना पौड़ी अथवा पौड़ी के नजदीक की जाती है तो पौड़ी की खोई हुई गरिमा वापस लौट जाएगी। हम ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये ज्ञापन भेज रहे हैं और खासतौर पर पौड़ी को लेकर भेज रहे हैं कि पौड़ी जो कि उत्तराखंड आंदोलन की जननी है, जहां के लोगों के आंदोलन की वजह से उत्तराखंड पृथक राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन 24 सालों में पौड़ी को कोई बड़ा संस्थान नहीं दिया गया। और अब जब बात हो रही है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किया जाएगा, हमें चाहते हैं कि कुमाऊं मंडल के मुख्यालय नैनीताल, जहां पे पर्यटक बहुत भारी संख्या में आते हैं। अमरोहा में तेंदुए का आतंक जारी। जंगल में तेंदुए ने किशोर पर जानलेवा हमला कर दिया। किसानों ने तेंदुए से किशोर को छुड़ाया। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। जिले में अलग अलग स्थानों पर लगातार तेंदुआ देखा जा रहा है। नौगावा सादत थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर कला का ही पूरा मामला। बरेली के थाना प्रेमनगर के कोकाडी पर अलका होटल से चहबाई रोड पर स्थित एक पुराने मकान में कई परिवार रहते हैं। एक तरफ संजय अग्रवाल का फोल्डिंग पलंग का कारखाना है, उसी के ऊपर वाले हिस्से पर राकेश अग्रवाल अपने बेटे अतुल के साथ रहते हैं जो बिजली मैकेनिक है। राकेश ने बताया कि लगभग 10 साल पहले पारिवारिक कलह के चलते अतुल की पत्नी पूजा ने खुद को अलग कर खुदकुशी कर ली थी। अतुल भी अजीब हरकतें करते रहते। शुक्रवार लगभग 10:30 बजे राकेश सोने के लिए लेट गए थे, इसी बीच अतुल घर में आग लगाकर भाग गया, जिससे घर में एक बड़ा और एक छोटा सिलेंडर फटते ही धमाका हो गया, जिससे लेंटर भी गिर गया। घर में इन्वर्टर भी था जिसका बैटरी भी फट गया। सूत्र बताते कि दो सिलेंडर थे जो बच गए। फायर की दो बड़ी और एक छोटी गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
गैस सिलेंडर में लगी आग से हादसा की चपेट में आई 6 वर्ष की मासूम, बचाने पहुंचे नाना नानी भी आग से झुलसे। इलाज के दौरान 6 वर्ष की मासूम की बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घायल नाना नानी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बरवाड़ी थाना क्षेत्र के किलहुआ गांव की पूरी घटना। अमेठी में लोकसभा चुनाव बीतने के बाद भी नेताओं का जनसंपर्क अभियान जारी है। बिना अनुमति चौराहे पर भीड़ इकट्ठा कर लोगों से संवाद करना कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि बाजार शुल्क थाने में तैनात दरोगा की तहरीर पर बाजार शुक्ल थाने में प्रत्याशी समेत 13 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के लिए हरिद्वार के केंद्रीय विद्यालय में चल रही तैयारियों पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय स्थापित कई विधानसभाओं के ARO मतगणना कक्ष और पोस्टल बैलेट गणना कक्षों का भी निरीक्षण किया। सुल्तानपुर लोकतंत्र के महापर्व में सदर विधायक पूर्व मंत्री विधायक विनोद सिंह अपने परिवार के साथ अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। वहीं मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश हित मतदान बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को सालों देख समझ रहा हूं। मतदान असल में आदरणीय मोदी जी को मैं पिछले 5 वर्षों से उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनकी नीतियों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और विशेष रूप से उनकी विदेश की नीति। और भारतवर्ष इस बार चुनाव जीत जाएगा तो वो विश्व के पायदान पे कहाँ रहेगा, ये मेरा मुख्य था। और उसमें हमने पाया कि आदरणीय मोदी जी जो नीति रही है, विदेश नीति रही है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जनता को मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि वोट हमारा बहुत ज़रूरी है, हमको अपना मतदान करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए और हर चीज़ समस्याओं का हल, जैसे हमारे जो रोजगार है, इस सब की समस्याओं के हल के लिए मतदान जरूरी है, तभी जो है हम अच्छा एक सरकार बना पाएंगे। हमने मतदान किया है कि हमारे यहाँ मोदी जी ने एक तो देश विदेश में बहुत कीर्ति फैली है, हमारे भारतीयों को पहचान मिली है विदेश में। इसके अलावा मोदी जी ने जो अन्न बांटा है उससे जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो नहीं रोजगार कर सकता है, उसको भी भरपेट खाने को मिल रहा है। भाकियू टिकैत के नौगवां सादत तहसील अध्यक्ष सुधाकर सिंह के नेतृत्व में भाकियू टिकैत के कार्यकर्ता पदाधिकारी तहसील नौगवां सादत पहुंचे और किसानों की समस्याएं जैसे कि आवारा पशु, गन्ने का भुगतान, बिजली क्षेत्र में हो रही लगातार चोरी जैसी समस्याओं को लेकर भाकियू टिकैत ने नौगवां सादत तहसील में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, तमाम लोग मौजूद नजर आए। प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार यत्ना सिंह ने नगर स्थित दहिला मऊ प्राथमिक विद्यालय में अपने मतदान का इस्तेमाल किया। मतदान करने के बाद मीडिया से मुलाकात होते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर मोदी की सरकार देश में बननी जा रही है और भाजपा गठबंधन को 400 के पार सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में भी सबके सहयोग से कमल खिलेगा और भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री पे विश्वास है और और भाजपा 400 पार होने जा रही है और बिना यूपी के योगदान के 400 पार संभव नहीं। हमारा विश्वास है कि हर सीट पे भाजपा जीत रही है उत्तर प्रदेश। हरदोई से एसपी प्रवीण सिंह डोबाल ने कोतवाली रानीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। सेमरोनियल गार्ड की सलामी के साथ औपचारिक तौर पर शुरू हुए निरीक्षण के दौरान प्रवीण सिंह डोबाल द्वारा कोतवाली के महत्वपूर्ण अभिलेखों, कर्मचारी मेस, मालखाना, शास्त्रागृह का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए जो रजिस्टर अपडेट नहीं थे उन रजिस्टरों को अपडेट करते हुए अनुपालन के अवगत कराएंगे। मालखाना निरीक्षण के दौरान चेक किए तो कुछ माल काफी समय से लंबे था, जिसके संबंध में मलखान मौरी प्रभारी निरीक्षक रानीपुर को निस्तारण के तत्काल रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। झांसी ही नहीं, कई राज्यों में एकदम से हनी ट्रैप और साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। वक्त के साथ अपराधियों ने अपराध करने का तरीका बदल दिया है। साइबर अपराधी भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठते हैं। अब ऐसे में आम जन को साइबर अपराध के प्रति सजग होने की आवश्यकता है। DIG कलंदी निधानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वक्त के साथ अपराधियों ने अपराध करने का तरीका बदल दिया है। अपराधी अब साइबर अपराध के द्वारा सीधे साधे लोगों को मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग करके या किसी महिला की आवाज बनाकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं, फिर धमकियां देते हैं कि मैं फला हूं, पुलिस अधिकारी बोल रहा हूं, लोगों से नेटवर्किंग के माध्यम से अवैध पैसे की उगाही करते हैं। DIG ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता ऐसे किसी भी लोगों की बातों में ना आए, खुद को पुलिस अधिकारी बताकर डराने धमकाने वाले लोग फर्जी हैं। ये वक्त के साथ अपराध करने के तरीके बदले हैं और अपराधी अब हाईटेक भी होते हैं और साइबर फ्रॉड के माध्यम से लोगों से एक्सटॉर्शन भी किया जाता है, ब्लैकमेल भी किया जाता है। अभी कई वाक्य इस तरह के आए हैं विभिन्न जनपदों में, विभिन्न राज्यों में और अक्रॉस कंट्रीज ऑल्सो, जिसमें लोगों को किसी न किसी बहाने से कोई उनकी कमी दिखा के, कोई उनका अपराध दर्शा के कोई भी व्यक्ति ये कह देता है कि मैं साइबर सेल से बोल रहा हूँ या पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ और उस कमी की भरपाई के एवज में
उनसे पैसे मांगे जाते हैं, तो एक तरह से वह व्यक्ति घबराहट में आ जाता है और कई घंटों तक, जिसको कई लोग आम भाषा में साइबर अरेस्ट भी बोल दे रहे हैं या ऑनलाइन अरेस्ट भी बोल दे रहे हैं, कई घंटों तक फिर वो पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है और सामने वाला जालसाजी से कहता है कि मैं इस थाने से बोल रहा हूँ या ये अधिकारी बोल रहा हूँ। गोरखपुर में 1 जून को चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि कर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिताने की होड़ में लगी हुई है। आज की बात करें तो पीडीए गठबंधन की रैला सहारा स्टेट के क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित की गई, जहां पर हजारों की संख्या में अपने नेताओं को सुनने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे। लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अपने नेता को सुनते लोगों का हुजूम देखने को मिला। मंच से बड़े बड़े वादे भी हुए, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, हम आएंगे तो रोजगार भी आएगा, अगर मेरी सरकार आती है तो पेपर लीक नहीं होगा, कानून बनाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केवल और केवल झूठ की बुनियाद पर यह सरकार चल रही है, इस बार बदलाव जरूरी है, आप लोग ही बदलेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर को बाढ़ से बचा लें, नौकरी रोजगार दें, स्वास्थ्य सेवाएं दें, ये कैसे मुख्यमंत्री ये बताओ, कैसे डबल इंजन है ये? कम से कम गोरखपुर को बाढ़ से बचा लें, नौकरी रोजगार दें, स्वास्थ्य सेवाएं दें, ये स्वास्थ्य सेवा भी नहीं दे पाए, कैसे मुख्यमंत्री हैं बताओ, कैसी डबल इंजन है कि गोरखपुर आते आते विकास की हवा निकल जाती है, इनका इंजन खराब हो जाता है। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे उज्ज्वल रमन सिंह के पिता पूर्व राज्यसभा सांसद कुंवर रमन सिंह को करेली पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि बूथ पर प्रत्याशी के पिता रेवती रमन पहुंचे थे, जहां कुछ नोकझोंक की सूचना पर पहुंचे करेली पुलिस ने उन्हें गाड़ी से थाने ले गई। एनडी गठबंधन के प्रत्याशी उज्ज्वल रमन सिंह के पिता रेवती रमन सिंह पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। शनिवार को मतदान के दौरान वो करेली क्षेत्र में अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुंचे थे। प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, ये सरकार जाने वाली है दिल्ली से, इनकी विदाई होने वाली है, इसलिए इस तरह तरह का तांडव करके पुलिस के बल पर ये वोट ले लेंगे, जबरदस्ती वोट ले लेंगे। खबरा तो कई है, सब हार रहे हैं, इनकी विदाई 4 तारीख को हो जाए। क्या लगता है 400 पार के नारे पे क्या कहेंगे? इनका खटिया खड़ी हो जाएगी, 400 पार तो बहुत लंबी खटिया खड़ी हो जाएगी। कानपुर के चर्चित इरफान सोलंकी मामले में इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी और मां खुर्शीदा बानो ने केस की वादी नाजिर फातिमा के द्वारा लगाए गए आरोपों को असत्य और निराधार बताया। उनका कहना है कि कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन जानबूझकर नाजिर फातिमा गलत आरोप लगा रही हैं। पूरे उसमें जो ये आरोप और पेपर और जब वो कर रही हैं, इसमें एक रोचक बात और है। रोचक बात ये, मुकदमा तो खत्म हो गया, अब सिर्फ वो निर्णय पर है। आपको किसी प्रकार से धमकाना, समझाना, इसका हमको क्या लाभ या क्या हानि होगी? आपकी तो गवाही हो चुकी है, आपको तो जो आरोप लगाने थे लगा चुके हैं, अब हम क्यों करेंगे? और पूरे शहर में इस समय पूरी तरह से पूरा शहर सीसीटीवी प्रोटेक्टेड है, पूरी तरीके से जांच कराई जाए, इवन उनकी जांच कराई जाए, जिससे कि ये पता चल सके वो किसके इशारे पर न्यायालय को प्रभावित करने की कोशिश कर। परसों हमने एक बयान देखा था, तो उसमें जो हमारे परिवार पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम किसी को धमका रहे हैं या गवाह जो वादिनी है उनको हम धमका रहे हैं, तो बिल्कुल उनके सरासर हम उनका काउंटर करते हैं उनकी जो उन्होंने बोला है उसका। पहली बात तो हम लोगों से ज़्यादा क्या वो परेशान हैं? पिछले 18 महीने से दो हमारे घर के सदस्य जेल में हैं और सफ़र हम कर रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। वो तो एटलीस्ट अपने बीवी अपने बच्चों के साथ है, अपने उनके बेटे बेटियां सब घर में हैं, उनका पूरा परिवार साथ में है, तो उनको क्यों धमकाएंगे, उनको हम क्यों परेशान करेंगे? जो हम लोग खुद परेशान हैं इस वक्त, तो हम। प्रतापगढ़ में छठे चरण के मतदान में राज्यसभा सांसद वरिष्ठ सांसद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लालगंज स्थित अपनी बूथ पर मतदान का इस्तेमाल किया। मतदान करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार उन्हें मतदान करने का एक बार फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मतदान के बाद इंडिया गठबंधन 300 के पार हो जाएगी और आने वाले 4 जून को भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जो स्थायी और विकास करने वाली होगी। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से धर्म को आधार बनाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है और जनता इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। सुबह 7 बजे से चल रही मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। मतदान करने के लिए सुबह से ही नवयुवक उत्साहित रहे। नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज के बूथ नंबर 147 पर भाजपा सांसद प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने मतदान किया। प्रतापगढ़ एसपी सतपाल सिंह अंतिम सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए कि लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में देश के भविष्य को तय करने का ये चुनाव है और अपने लोकसभा के हम ईश्वर समान जनता से यही आवाहन करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में
अपनी आहुति देने के लिए वो अपने घरों से निकले और अपनी आहुति देश के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अपनी आहुति दे, देश को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देश का जब महापर्व होता है तो एक उत्सव के जैसे। किसके दाम में कितना दाम, आज जनता ने तय कर दिया है। गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच लोग मतदान करते हुए नजर आए। मतदान को लेकर बुजुर्गों में भी युवाओं जैसा जोश मिला। गर्मी पर भारी पड़ रहा लोगों का मतदान करने का उत्साह। शाम 5 बजे तक जिले में करीब 49% ही मतदान हुआ। गर्मी के मद्देनजर सुबह 7 बजे के पहले ही मतदान केंद्रों में वोटर्स पहुंचने लगे थे। लोकसभा चुनाव के डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रशासन अलर्ट था। प्रतापगढ़ DM संजीव रंजन और SP सतपाल अंतल लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। हरिद्वार में कुछ ट्रैवल एजेंट चारधाम यात्रा का फर्जी रजिस्ट्रेशन करने का झांसा देकर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी क्रम में हरिद्वार पुलिस ने शहर से लेकर देहात तक कई जगहों पर छापेमारी कर फर्जीवाड़ा कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान चारधाम यात्रा से फर्जी रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर पुलिस के द्वारा हरिद्वार नगर कोतवाली, कनखल थाना, ज्वालापुर कोतवाली, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की। चारधाम यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई से ट्रैवल एजेंसी संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने अब तक अलग अलग थानों में कुल 8 मुकदमे दर्ज किए हैं। हरिद्वार पुलिस ने लगातार जो चारधाम में जो फर्जी रजिस्ट्रेशन या नामों को एडिट करके अलग अलग डेटों में चारधाम यात्रियों को बहला के यहाँ से ले जाया जा रहा था, इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में करीब 8 मुकदमे अभी लिखे गए हैं। अभी 3-4 मुकदमे और अभी लिखे जाने हैं। कुल इसमें 3 अरेस्टिंग अभी तक की हैं और साथ में ही जो लैपटॉप है और उनके जो कंप्यूटर्स के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सभी को हम लोगों ने सीज किया है। इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं या कहां से इस तरीके का ये एक नेटवर्क चल रहा है, इस पर भी हम। ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला, कई राउंड फायरिंग करते हुए दबंगों पर आरोप लगा। चुनावी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का आरोप। शिकायत के बाद भी स्थानीय पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। 10 नामजद 10 अज्ञात के खिलाफ प्रधान ने तहरीर दी है। SP कार्यालय में ग्राम प्रधान महेंद्र ने लिखित शिकायत दी। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के रगोली बुजुर्ग गांव का ही पूरा मामला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।